वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने महंगाई को लेकर बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि महंगाई मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद महंगाई बढ़ी, फिर बढ़ी और चाहे कोई भी सरकार आए यह फिर बढ़ेगी, कोई भी सरकार इसे कम नहीं कर सकती। हालांकि महंगाई मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय महंगाई कम थी या ज्यादा थी? जितनी भी थी। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उस सरकार ने उसको बढ़ाया कि घटाया? महंगाई बढ़ी कि घटी? अब बताइए, घटी कि बढ़ी? मुझे लगा कि बढ़ी। अब मोदी जी की सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो महंगाई घटी कि बढ़ी? आई वो बढ़ी। और मुझे जो लगता है आगे भी जो सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई घटाई नहीं सकती। लिख के दे दें, कोई भी लिख के दे दें कि मैं वर्ल्ड वाइज जो चीजें चल रही हैं उस पे तो हमें तेल और ये जो भी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अपने भारत का या किसी भी कंट्री का इतिहास देखेंगे तो जो 90 में महंगाई थी वो 2000 में नहीं रही, जो 2000 में थी वो 2010 में नहीं रही, जो 2010 में थी वो 2024 में नहीं रही। तो ये तो महंगाई बढ़ेगी, किसी सरकार किसी की भी आ जाए तो मुझे, और ये मेरा इशू नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है कम महंगाई। मैं तो कहता हूं भगवान करे ऐसा आ जाए कि मेरे भारत को 1 रुपए में चावल मिले, 1 रुपए में आटा मिले, 1 रुपए में आलू मिले, सब ये चीनी मिले। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे देश की जनता प्रसन्न होनी चाहिए। लेकिन ये महंगाई एक विषय है राजनीतिक लोगों के लिए। मैं एज ए धर्मगुरु, मैं अपना जो सनातन परंपराओं की रक्षा करेगा, मेरा मत उसके लिए।